चाहे कपड़े हो, ग्रोसरीज हो, दवाइयाँ हो या हो कोई भी घर का अन्य सामान, और आपको चाहिए हो इंस्टेंट डिलीवरी, अभी डाउनलोड करिए बिग ब्लिस ऐप। बिग ब्लिस ऐप पहुंचाएगा सारा सामान 10 मिनट में। बिग ब्लिस ऐप है खुशियों की अपनी दुकान। बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की तरफ जो निकल के सामने आ रही है नींबू की। तो एक महीने पहले तक लोकल मंडियों में 320 रुपए प्रति किलो तक बिकने वाला नींबू अब 120 से 180 रुपए प्रति किलो तक बिकने लगा है। इसकी कीमत में एक महीने के अंदर ही करीब 60% तक की गिरावट आ चुकी है, और इस आई गिरावट की वजह कई राज्यों से नींबू की आवक अधिक होना बताया जा रहा है। भीषण गर्मी में नींबू की कीमतों में आई गिरावट से लोगों को काफ़ी राहत मिली है। लोग अब नींबू का पहले से ज़्यादा इस्तेमाल कर पा रहे हैं। आपको बता दें कि बीते गुरुवार को आज़ादपुर मंडी में 40 से 50 रुपये प्रति किलो तक नींबू बिकता नजर आया। वहीं लोकल मंडियों में 10 रुपये के 4 नींबू मिलने लगे हैं। पहले के मुकाबले अब कर्नाटक, गुजरात और आंध्र प्रदेश से दिल्ली की थोक मंडियों में नींबू की आवक बढ़ी है। डेढ़ महीने पहले तक रोज़ाना सिर्फ 8 से 10 गाड़ियां ही नींबू लेकर आती थीं, वहीं अब यह बढ़कर गाड़ियों की संख्या 16 हो गई है। इससे पहले नींबू की कीमतों में उछाल का सबसे बड़ा कारण गुजरात में तूफान व आंध्र प्रदेश में बेमौसम बरसात को माना जा रहा है। आंधी और बारिश से नींबू के पेड़ों से फूल गिर गए थे। लोकल मंडियों में एक नींबू 10 रुपये तो एक किलो 320 रुपये मिल रहे थे। तो यानी कि जिस तरह से मंडियों में नींबू की आवक बढ़ी है, उसकी वजह से नींबू की जो कीमतें हैं अब उनमें कुछ नरमी आते हुए नजर आई है, जिसकी वजह से आम जनता ने नींबू का इस्तेमाल बढ़ाया और कुछ राहत की सांस ली है। कोरोना के इस दौर में आपको नहीं जाना बाहर। बिग ब्लिस पहुंचाएगा सारा सामान आपके घर 10 मिनट के अंदर। तुरंत डाउनलोड करें बिग ब्लिस ऐप खुशियों की अपनी दुकान।